तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इतिहास सेकेंड पेपर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बीए सेकेंड ईयर इतिहास फर्स्ट पेपर की बात की थी, ठीक है, इतिहास फर्स्ट पेपर की, और आज हम बात करेंगे इतिहास सेकेंड पेपर की, क्योंकि सब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके दो दो पार्ट होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। अगर प्रथम प्रश्न पत्र की आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा, ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। अगर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया तो लग जाएगा हाँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम कैसे देना होता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी मैंने PDF बना लिए, ठीक है, और PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी, पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप ये पहले पढ़ लीजिए, ऊपर जो हेडलाइन है इसकी, ठीक है, ये हेडलाइन पहले पढ़ लीजिए आप लोग सभी। ये बी ए सेकेंड ईयर के थे, द्वितीय वर्ष इतिहास है, उसके बाद पूर्णांक आप लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये भी होता है कि हाँ 100 मार्क्स का वो होता है पूर्णांक, और समय 3.5 घंटे भी हो सकता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आहार सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ओके। उसके बाद अथवा करके और है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें दो क्वेश्चन रहते हैं, कौन सा करें कौन सा ना करें, दोनों करें कि एक ही करें। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये देखो एक क्वेश्चन ही हो गया, एक ही हो गया, तो अथवा का मतलब यही होता है, या तो आप ये करिए या फिर ये करिए, जो आपको आ रहा है इन दोनों में से एक ही करिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, एक ही करिएगा, दोनों मत करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे आप अगर गूगल सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की अगर मार्केट में सीरीज आ चुकी हैं सीरीज़, तो आप सीरीज़ मार्केट से परचेज कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको उसमें पूरी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि सर ओमार सीट पे तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। तो भैया जो बी सेकेंड ईयर होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो रिटन ही होगा, आपको कॉपी और क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको लिखना ही होगा, और जो ओमार सीट का प्रोसेस है वो सब बीए फर्स्ट ईयर में हो रहा है, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर जितने भी फर्स्ट ईयर हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में रिटन ही होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के राव मलदेव की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। फिर नंबर है अथवा चित्तौड़ के विशेष संदर्भ में राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में वर्णन कीजिए, जहां पर क्वेश्चन लिखा रहे वहां पे आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। विस्तार से कहने का मतलब ये कि कम से कम आपको 2 से 3 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा, 2 से 3 पेज। अगर आप 2 से 3 पेज से कम लिखते हैं तो आपके मार्क्स हाफ कर दिए जाएंगे, जितने भी मार्क्स का नंबर रहेगा, यानी कि जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों को हाफ कर दिया जाता है। क्या होता क्या है इसमें, क्योंकि इसमें जब लास्ट में लिख दिया जाता है कि वर्णन करना है या विस्तार से आपको समझाना है, तो वर्णन करना है विस्तार से समझाना है, इसका मतलब कि कम से कम आपको 2 से 3 पेज कम से कम लिखना ही होगा, ठीक है, जिससे उन लोगों को भी मालूम पड़े, एग्जामिनर को भी, कि हाँ बंदे को इसके बारे में नॉलेज था, उसने लिखा। भले ही आप उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो कि अच्छे से एकदम डीपली से रट के गए हों, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके लिख पाएँ, बहुत ही कम स्टूडेंट मिलेंगे। और आप लोगों से मैं यह कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्राइवेट हैं, क्योंकि सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्राइवेट भी बहुत स्टूडेंट हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं गए हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं, तो वो इतना कहाँ अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतनी जल्दी कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो मेन हेडिंग लिख देंगे, नीचे अपना लिख देंगे, बीच में थोड़ा उनको जो समझ में आए बना के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग का पहला पेज और लास्ट के 2-4 हेडिंग आपको एकदम अच्छे से लिखना ही है, ठीक है, जो समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी के।
तो ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अब देखते हैं इसमें कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, अभी देखेंगे। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अथवा चलिए ये करिए करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तीन नंबर, अभी दो की बात हो गई, महाराणा प्रताप की मुगल प्रतिरोध नीति का मूल्यांकन कीजिए, अथवा करके मध्यकालीन राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में दादू दयाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ट्वेल्थ और टेंथ में आपके हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में जो भी पूरा डिटेल रहता महाराणा प्रताप की, तो वही साहब आपको थोड़ा वही रिमाइंड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो वो सब चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा एडवांस हो जाता है बस, ठीक है, बस यही थोड़ी इशू रहता है, और कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको जनरल, जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम क्लास एक वन में रहते हैं, उसके बाद क्लास एक में थोड़ा इजी होता है, टू में जाते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, रहता है वही है, बट थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसी तरह यही है, महाराणा प्रताप आपने पढ़ा ही होगा, टेंथ में पढ़ा होता है, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, बस इसमें थोड़ा आपको नीतियों का मूल्यांकन कीजिए या उसको समझाइए, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पीडीएफ में आपको बताऊंगा, आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण थे स्पष्ट कीजिए। तो टोटल ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब राजस्थान यानी महाराणा प्रताप से ही रिलेटेड हैं। अगर महाराणा प्रताप का पूरा आप चैप्टर या उनका पूरा लेसन आप पढ़ के जाते हैं सारे क्वेश्चन उसमें से, तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पूरी सफलता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं सब राजस्थान यानी कि महाराणा प्रताप से ही संबंधित देखने को मिल रहे हैं हिस्ट्री सेकेंड पेपर में। तो अथवा करके इसमें भी है, आप जो समझ में आए वो कर लीजिएगा, जो आपको आ रहा हो समझ में कि हाँ ये मैं कर पाऊँगा, तो आप इसमें से दोनों में से एक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच नंबर है, पाँच नंबर पढ़िएगा, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का विवेचन कीजिए। और अगला नंबर है, जयपुर और भरतपुर प्रजामंडल पर एक निबंध लिखिए। तो भैया निबंध तो आप लिख ही लेंगे, भले ही जयपुर आपका ये और भरतपुर प्रजामंडल पर एक निबंध आपको लिखना है। निबंध भी आपको जब सीरीज खरीदेंगे आप, तो आपको क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे निबंध देखने को मिलेंगे, उसमें से आप निबंध पढ़ लीजिएगा दो चार छः, जिससे कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई ना कोई फंस सके आपके एग्जाम में, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो इस जो प्रश्न पत्र था इसमें पाँच क्वेश्चन थे, हो सकता है आपके जो आपका प्रश्न पत्र इस बार चेंज हो जाए, तो छः सात क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर नहीं भी डिपेंड करता, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, कि हाँ किसी में आठ हो जाते हैं, किसी में सात हो जाते हैं, किसी में पाँच भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का है, अगर आप अच्छे लिखेंगे तो आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे, बस आपको रिटर्न करना है, इसके लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड ही करता रहता हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको किसी भी मॉडल पेपर की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों के सामने पेश करूँगा लाके, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे भी कोई भी जैसे कि रिजल्ट कब आता है और आप लोगों के टाइम टेबल कब आता है, स्कीम जो कि बोलते हैं, ये सब की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर ही देता हूँ। और हाँ, आप बात रही कि ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर यानी कि जो मैंने पेपर पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे लिखा है www.sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे डायरेक्ट होकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।